जब जय श्री राम के नारों से गूंज उठा कानपुर। जी हां, इस वक्त खबर कानपुर से, जहां लोगों के द्वारा श्री राम निर्माण में भारी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बच्चे, युवा, वरिष्ठ सभी लोग शामिल हुए। आपको बता दें, श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर हर जगह धूम मची हुई है। उसी की लहर आज कानपुर में भी देखने को मिली। देखिए कानपुर की झलक। निर्माण होने जा रहा है। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जन जागरण अभियान, जो भी हम लोग लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से मंदिर निर्माण में सहयोग करना है, इसलिए आज ये सब रैली का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सब मिलकर इस कार्यक्रम में आज लक्ष्य है, और सभी लोगों का लक्ष्य है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाकर सहयोग राशि का भुगतान करें। भैया, क्या संदेश देना चाहेंगे यात्रा के बारे में? यात्रा राम मंदिर बनने के लिए हम लोग समर्पण राशि इकट्ठा कर रहे हैं। संघ द्वारा ये कार्यक्रम है। 135 करोड़ भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने सालों से जो चीज हम लोग का इंतजार कर रहे थे, इसका अब समय आया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हम सब लोग जगह जगह जाके समर्पण राशि के नाम पर इकट्ठा करेंगे और राम मंदिर का राम जन्मभूमि के नाम ट्रस्ट में ये राशि जमा होगी। इसी उपलक्ष्य में ये वाहन गुरु बाबूपुरवा में जगह जगह जाएगा और समापन इसका कानपुर लगेगा। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? भगवान राम का मंदिर लगभग 500 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। भारतवर्ष का हर हिंदू राम के प्रति समर्पण करता है, समर्पित है, बल्कि पूरे विश्व में राम के अनुयायी हूँ। चूंकि राम ने जो काम किया है शायद आज तक विश्व में किसी ने नहीं किया है, चाहे राजा बन के किया हो, चाहे एक पिता बन के किया हो, चाहे एक पति बन के किया हो, चाहे एक बेटा बन के किया हो, चाहे एक शिष्य बन के किया हो। कहते हैं राम जैसा राज्य नहीं। आज उनके भव्यता से मंदिर बनने जा रहा है। उस मंदिर में हर घर के व्यक्ति का एक एक ईंटा लगेगा तो वो सबसे बड़ा भारत नहीं, विश्व में एक भगवान राम के प्रति सबसे बड़ा अनोखा एक ये होगा कि इतने बड़े लोगों ने इतना बड़ा सहयोग किया। उसी को प्रेरणा को लेकर हम सब अपने भाइयों से यही कहना चाहते हैं, 10 रुपया से लेके। और जो सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक जनमानस, भारत की जनता, भारत की राष्ट्रभक्त जनता से सहयोग की विश्व परिषद ने अपील की है। उसी क्रम में हम लोग जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं और ये बताने के लिए जनता को कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, चाहे वो बड़ा बहुत पूंजीपति हो, उन सब से जो भी सहयोग उनकी श्रद्धा से बनेगा वो करेंगे। इसके आह्वान के लिए ये जन जागरण यात्रा निकल रही है। समर्पण का अभियान है ये, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति भारतीय जनमानस के समर्पण का ये कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के जन जागरण हेतु ये जन जागरण यात्रा निकाली है।